ମାନେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁନି ନାଇଁ ଶୁଣ ପରିଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ କିଛି ନୁହେଁ ହେଲା ସବୁ ପଇସା ଆଉ ଲବିରେ ଖେଳ ମୋ ବାପା ଜେଜେ ବାପା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି मेरे पैनल पर ये अनुपम थे जिन्होंने फिल्म प्रतीक्षा बनाई है और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने फिल्म बनाई, कैसे 2018 में उनके फादर की डेथ हुई, उनके फादर को नेशनल अवार्ड मिला था 1985 में, और बाप बेटे की कहानी थी, पहली फिल्म थी है इसकी ये, और मुझे कहानी अच्छी लगी और उसकी भावना अच्छी लगी। उसने सोचा कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा, अनुपम ने सोचा, मेरा हम नाम है, यंग लड़का है, और मुझे उसकी कहानी बड़ी भावुक लगी और मुझे बहुत प्रेरणात्मक लगी, तो मुझे लगा कि नए टैलेंट को का प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसको उसी समय स्टेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसका हिंदी जो आप बनाएंगे वो हम प्रोड्यूस करेंगे और बाप का अभिनय जो है मैं करूँगा, और ताकि उसकी छाप लग जाए मैंने उनको 1100 रुपया बतौर साइनिंग अमाउंट भी दिया। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी कभी 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 रह चुका हूँ न्यू कमर, और इस तरह के प्रोत्साहन से, इसके तरह के लोगों से काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। दैट्स ऑल आई थिंक द स्टोरी, मुझे फादर सन स्टोरीज जो हैं बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, बिकॉज दोनों में कम्युनिकेशन गैप होता है और प्यार दोनों एक दूसरे से करते हैं, और एक अनएम्प्लॉयड यूथ की कहानी है और उसका बाप उसको कहता है कि मैं तो कोई डिफरेंट तरीका नहीं अपनाऊंगा, अगर तुझे नौकरी करनी है तो तुझे मेहनत करके नौकरी पानी है, और उसने कहा कि मेरी खुद की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी।